श्री मदन मोहन प्रभु। कीर्तन सीखने वाले सभी रसिक वैष्णवन को या चैनल में हार्दिक स्वागत है। या चैनल के द्वारा मैं पुष्टि भक्ति मार्गीय वैष्णव को कीर्तन सिखाना चाह रहा हूँ, कीर्तन गान को प्रशिक्षण देना चाह रहा हूँ। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं हर व्यक्ति को कीर्तन सिखा ही दूँगा गानों, लेकिन पुरुषार्थ अवश्य कर रहा हूँ। सफलता असफलता प्रभु के हाथ में है। तो इतना मैं आपसे लोग कहना चाहूँ कि जो भी कीर्तन गानों सीखना चाह रहे हो कि ठाकुर जी के सामने अपन कैसे गाएं, वाकई लिए मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो यदि अपन को कीर्तन गान सीखना है तो सबसे पहले अपने गला में सुर होना चाहिए, और यदि आपके गला में सुर है और वह सुर को यदि आप निखारना चाह रहे हो तो वह को आपको शास्त्रीय संगीत की शरण लेनी पड़ेगी। बिना शास्त्रीय संगीत की समझ के या बिना शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के आप हवेली संगीत जो है अच्छी तरह से गा नहीं पाओगे। या लिए मेरो उन वैष्णवों से विशेष अनुरोध है कि जिनको गला अच्छा है और जो कीर्तन गान करने के इच्छुक हैं और ठाकुर जी के सन्मुख कीर्तन गान करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं समझूं कि ये क्लास बहुत ही लाभप्रद होगी। या लिए मेरो उन सब वैष्णवों से अनुरोध है कि बहुत ज़्यादा शास्त्रीय संगीत को ज्ञान नहीं भी हो ना, लेकिन थोड़ा बहुत शास्त्रीय संगीत को ज्ञान तो अपने को होना बहुत ज़रूरी है। जाके अभाव में कीर्तन गान ऐसा होएगा कि जैसे बिना नमक की रसोई। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि शास्त्रीय संगीत को ज्ञान जो है वो बहुत ज़रूरी है। और करके मैंने या चैनल में कीर्तन सिखाना प्रारंभ किया है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा समय की वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक 10-15 मिनट की वीडियो आपको बनाऊंगा। रेगुलर इंटरवल पे पोस्ट करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जो ज़रूरी ज़रूरी बातें हैं उन बातों को आपके साथ शेयर करूँगा। और आप लोगों के प्रतिवाद जरूर सुनना चाहूँगा, मुझको क्या सुधार करना चाहिए, क्या वह मैं बात कहनी चाहिए, या आप लोग क्या सीखना चाह रहे हो। वैसे मैं क्रमशः ही जाऊँगा शास्त्रीय संगीत सीखने के, लेकिन मूलभूत बातें आपको बताते रहूँगा। रेगुलर इंटरवल पे वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। तो शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के लिए छोटी छोटी बातें के मैं वीडियोस या चैनल में डालना चाह रहा हूँ। और जैसे जैसे अपन कीर्तन सीखते जाएंगे ज्ञान हो तो चलो जाएगा, फिर आगे दूसरे प्रकार के वीडियोस अपन देखेंगे। तो चलो कीर्तन सीखना शुरू करें। स्वागत है आपको या चैनल में। विजयते श्री मदन मोहन प्रभु। सभी कीर्तन रसिकन को या कीर्तन सीखने की क्लास में स्वागत करूं और सबन को कीर्तन सीखने की बहुत बहुत बधाई देना चाहूं। कीर्तन सीखने से पहले एक बात आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहूं कि कीर्तन सीखने से पहले कीर्तन जहाँ शास्त्रीय संगीत पर आधारित है वह शास्त्रीय संगीत के स्वरूप को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज के यह एपिसोड में सबसे पहले अपन शास्त्रीय संगीत के स्वरूप को समझने को प्रयास करेंगे, क्योंकि शास्त्रीय संगीत को समझे बिना हवेली संगीत सीखो नहीं जा सकेगा, वो वाकी पृष्ठभूमि है। यानी वाको भी आप लोग बहुत ज़रा ध्यान से समझियो। तो सबसे पहले आज आपके सामने मैं
संगीत को परिचय आपको देना चाह रहा हूँ, तो वो कुछ या तरह सु देखो होएगो। संगीत में संगीत तीन चीज से बने हुए हैं। मैं आपको जरा कैमरा के पास ले जाऊं तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि गीत, वाद्य और नृत्य, ये संगीत के तीन भाग हैं। मतलब कहने को मतलब ये है कि गीत, वाद्य और नृत्य के संयोजन से संगीत बने हैं। संगीत शब्द जो है, संगीत शब्द में सम धन गीत बराबर संगीत बने हैं। तो सम उपसर्ग लगे है और सम का अर्थ ये हो गया कि अच्छी तरह से जो गीत है वो संगीत है। और वो अच्छी तरह से मतलब क्या, तो कहें कि जहाँ गीत भी होए, जहाँ में वाद्य भी बजे और जहाँ में नृत्य भी होए, वाकु अपन संगीत कह रहे हैं। तो अपन संगीत सीख रहे हैं, तो आज के एपिसोड में या और या क्लास में अपन वाद्य नहीं सीख रहे हैं, अपन नृत्य नहीं सीख रहे हैं, अपन गीत सीख रहे हैं। गीत मतलब गायन कला, गानों, वो सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि यदि अपन गानों सीखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपन को गायन, गानों जिन स्वरन से बने हैं, जिन स्वरन को प्रयोग हुए हैं गाने में, उन स्वरन को समझना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम तो जिन स्वरन से गान हुए हैं, उन स्वरन की समझ ऐसी है कि संगीत में 7 स्वर माने गए हैं। सा रे ग म प ध नी, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 7 स्वरन के संगीत में नाम दिए गए हैं। और वो नाम कौन से हैं, जैसे सा को संगीत में, संगीत शास्त्र में सा को षड्ज कहो गया है। आपको दिख रहे होगा, सा को संगीत शास्त्र में षड्ज कहो गया है। र को ऋषभ कहो गया है, ग को गंधार कहो गया है, और म को मध्यम कहो गया है, प को पंचम कहो गया है, ध को धैवत कहो गया है और नी को निषाद कहो गया है। इन 7 स्वरन के समूह को सरगम कहो जाए, जहाँ में 7 स्वर हों। मुख्य 7 स्वर हैं और मुख्य 7 स्वर होने के कारण संगीत में इनको सप्त स्वरन को समूह कहो जाए। लेकिन जब स्वर की बात निकली है तो मैं आपको बता दूं कि यूँ 7 स्वर हैं, लेकिन स्वरन की कुल संख्या जो है वो 7 नहीं हो करके 12 है। आप सोचोगे कैसे 12 है, तो वो ऐसे आपको समझ में आएगी कि स्वर के 2 भेद हो जाएंगे, एक को शुद्ध स्वरूप और एक को विकृत स्वरूप। आप देखो, आपको ये चार्ट में दिखेगो, मैंने चार्ट बनाया है आपको हमें दिखेगो। तो जो शुद्ध स्वरूप है स्वर को, वा स्वरूप को, उन स्वरन को अचल स्वर कह हो जाए, और जो विकृत स्वर हैं उनको चल स्वर कह हो जाए। कौन से आशय में शुद्ध, इनको शुद्ध क्यों कहा जा रहा है? जैसे आप देख पा रहे होगे कि सा और प जो हैं वो शुद्ध हैं, ठीक है। सा और प जो हैं वो शुद्ध हैं, और रे ग म ध नी ये जो हैं वो विकृत स्वर हैं। रे ग म ध नी ये 5 स्वर विकृत हैं। तो सा रे ग म प ध नी ये 7 स्वर, और रे ग म ध नी ये 5 स्वर। 7 और 5 12,
मिला के कुल 12 स्वर हैं जो आपको यहाँ में या चार्ट में मैंने लिखे हैं, तो आपको दिख रहे होगो कि जो 12 स्वर हैं वो कैसे हैं। तो आप देख पा रहे होगे कि सा रे ग म प ध नी, ये तो 7 स्वर हो गए, और रे ग ध नी ये 4 कोमल हो गए, और मध्यम जो हो गए वो तीव्र हो गए। मतलब अब कैसे पहचानो शुद्ध स्वरन को, कैसे पहचानो कोमल स्वरन को, और कैसे पहचानो तीव्र स्वरूप को। तो कैसे पहचानोगे, तो कोई भी स्वर जो है जैसे रे ग धनि कोमल है, तो कोमल ऋषभ को कैसे पहचानेंगे, वो कोमल ऋषभ जो है वो शुद्ध स्वर के लेफ्ट हैंड साइड होएगो। वाको देखो यहाँ पे, और कोमल स्वरन को समझने के लिए एक नीचे लाइन कर दी जाए, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ के नीचे लाइन है एक। ऐसे गंधार शब्द के लेफ्ट हैंड साइड जो एक जगह खाली है वाको गंधार का हो जाए, माने कोमल गंधार का हो जाए। वाक्य बाद म, और म तीव्र होवे करके वाकू शुद्ध मध्यम के राइट हैंड साइड मतलब दाई साइड लिख हो जाए वो, और तीव्र स्वर को लिखवे के लिए म के ऊपर एक खड़ी रेखा बनाई जाए ताकि तुमको पता चले कि ये तीव्र स्वर है। और वाक्य बाद पंचम जो कि शुद्ध स्वर है, अचल स्वर है, ये सा और प अचल स्वर है। वाक्य बाद ध, और ध के लेफ्ट हैंड साइड कोमल ध, ऐसे नी और नी के लेफ्ट हैंड साइड कोमल निशान। तो ऐसे ही सा रे रे ग ग म म प ध ध नी नी, ऐसे ये 12 स्वर भय, और इन 12 स्वरन को मिला के कुल मिला के ये 12 स्वरन की ये सरगम हुए है। यूँ स्वर 7 हैं लेकिन ये 12 स्वर कोई भी राग में, कोई भी रागिनी अन में ये स्वर काम करते हूँ मैं, कहीं कोमल काम करे, कहीं तीव्र काम करे, कहीं शुद्ध काम करे। तो ये 7 स्वर शुद्ध और 5 स्वर जो है वो 2-5 स्वर विकृत, इनको मिला के जो 12 स्वर बने हैं वो ऐसे बजे हैं, वो आप देखो। सा रे ग म प ध नी सा, ये ऐसे सुर बजे हैं। आज मैं आपको खाली इतना ही बताना चाह रहा हूँ, अगले एपिसोड में आपको मैं कोमल कैसे पहचानो, तीव्र कैसे पहचानो, काली कैसे पहचानो, ये आने वाले एपिसोड में आपको पता चलती जाएगी। तो आज ये बेसिक लेसन है जहाँ मैंने आपको खाली केवल स्वरन की जानकारी दी है। तो मैं आपके प्रतिकार को, आपके कमेंट्स को इंतज़ार करूँगा कि आप लोगों को ये पद्धति कैसी लगी, और यदि आपको अच्छी लग रही है ये पद्धति सीखने की, तो मैं रेगुलर इंटरवल पे ये सारे वीडियो संगीत सीखने के डालता रहूँगा। तब तक के लिए सबन को मेरे सहृदय भगवत स्मरण।